तो इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इंजीनियर राशिद को दिल्ली स्पेशल एनआईए कोर्ट ने 2 अक्टूबर तक जमानत दी है, बेल हुई है और हर किसी की नजरें थी कि इंजीनियर राशिद को बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। हमारे साथ वैसे योगी आमीन ज्वाइन कर चुके हैं। आमीन, बताइएगा हमारे व्यूअर्स को, इंजीनियर राशिद पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई थी कि बेल कोर्ट देगा या नहीं, अब जबकि 2 अक्टूबर तक बेल दी गई है, क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल प्रियंका, अगर हम बात करेंगे इंजीनियर रशीद की बेल को लेकर, तो कल इसी वक्त ठीक हमने गुलिस्तान न्यूज पर यह खबर पार्टी के जराये के हवाले से की थी कि उन्होंने आरजी बेल का मुतालबा किया और उस जो अर्जी उन्होंने दायर की थी उसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह का हवाला देते हुए कहा कि जिस तरीके से उन्हें इजाजत दी गई है इसी तरीके से अब इंजीनियर रशीद को भी जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात में चुनावी तशहीर जो है उसके लिए इजाजत दी जाए। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है कि बाजाबता तौर पर अब कोर्ट ने उनकी अर्जी को मंजूर कर लिया है और 2 अक्टूबर तक जो है इंजीनियर रशीद को इंतखाबी मुहिम में शिरकत करने की इजाजत दी गई है। लेकिन इससे पहले की बात अगर हम करेंगे तो आप हमारे व्यूअर्स को ये चीज याद होगी और मालूम होगा कि कुछ महीने कबल मुल्क के अंदर जो पार्लियामानी इंतखाबात हुए थे तो उसके दौरान इंजीनियर रशीद के बेटे की जानिब से जिस तरीके से कंपेन वादी के अंदर चलाई गई थी और इस पार्टी के अंदर एक नई रूह फूंकने की कोशिश की गई थी, तो कहीं ना कहीं उसका रंग जो है वो आज सामने नजर आ रहा है कि आज अदालत ने यह फैसला सुनाया है। और जिस तरीके से असेंबली इंतखाबात के दौरान मुख्तलिफ हल्के इंतखाबात से पार्टी की जानिब से अपने उम्मीदवार जो है खड़े किए गए हैं और कंपेन बड़े जोश खरोश से चलाई जा रही थी और उसके साथ साथ पार्टी का ये मानना था कि अगर इंजीनियर रशीद को कुछ हद तक मौका दिया गया वो इस तशहीर में इस मुहिम में शामिल हो जाएंगे तो उसकी वजह से उसके आने की वजह से और लोगों से वो मिलेंगे तो कहीं ना कहीं इस पार्टी को मजीद तौकीयत मिल सकती है और पार्टी मजीद मजबूत ग्राउंड जीरो पर हो सकती है। तो अब जबकि अदालत उज्मा की जानिब से ये फैसला सुनाया गया है और इंजीनियर रशीद को 2 अक्टूबर तक इंतखाबी मुहिम में शिरकत करने की इजाजत दी गई है, अब सबकी नजरें इंजीनियर रशीद पर होगी क्योंकि अगर हम उनके चुनावी मैनिफेस्टो की बात करेंगे प्रियंका, तो उनका चुनावी मंशूर जो है वो भी कहीं ना कहीं दूसरी सियासी जमातों से थोड़ा सा अलग हमें देखने को मिल रहा है। जिन बातों का उन्होंने इजहार किया है किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर उनकी पार्टी अगर असेंबली तक पहुंची तो वीआईपी कल्चर को किस तरीके से खत्म किया जाएगा, नौजवानों को किस तरीके से राहत दी जाएगी और जेलों के अंदर जो नौजवान है उनको किस तरीके से वहां से बाहर लाया जाएगा, तो ये सारी चीजें जो है ये मद्देनजर रखते हुए अब पार्टी आगे के लिए किस तरीके से सोच रही है और जब इंजीनियर रशीद इंतखाबी मुहिम में शिरकत करेंगे तो लोगों का क्या कुछ रुझान रहेगा। जिस तरीके से हमने देखा है कि इंजीनियर रशीद जब जेल के अंदर थे तो उन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन जो है हल्के इंतखाब बारामूला से लड़ा और लाखों की तादाद में उन्होंने वहां पर वोट हासिल किए और एक सेंटिमेंटल वोट जो है वो उनके हक में गया है, लेकिन अब की बार उन्होंने न सिर्फ नॉर्थ कश्मीर के अंदर बल्कि साउथ कश्मीर के अंदर और सेंट्रल कश्मीर के अंदर भी अपने उम्मीदवार खड़े किए और नए लोगों को उन्होंने मौका दिया है इन इंतखाबात में, तो कहीं ना कहीं इंजीनियर रशीद की जो कमी थी वो यहां पर देखने को मिल रही थी और उनके बेटों की जानिब से अगर भरपूर कोशिश की गई है साउथ कश्मीर से लेकर सेंट्रल कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर तक वो गए और लोगों के सामने गए और लोगों को अपनी पार्टी का मंशूर बताया और सबसे बड़ी बात उनकी हमेशा ये रही थी कि अगर लोग उनके हक में वोट करेंगे तो कहीं ना कहीं इंजीनियर रशीद को जेल से बाहर लाने में उससे मदद मिल सकती है। फिलहाल एक चीज उन्हें मिल गई है वो ये है कि अदालत उज्मा में जो उन्होंने अर्जी दायर की थी अदालत के अंदर जिसमें उन्होंने कहा था कि आरजी तौर पर फिलहाल इंजीनियर रशीद को अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को जिस तरीके से दिल्ली के अंदर इजाजत दी गई थी इसको भी यहां पर इंतखाबी मुहिम में आने की इजाजत दी जाए, तो अदालत ने इस बात को मानते हुए इंजीनियर रशीद को फिलहाल 2 अक्टूबर के लिए जमानत दे दी है। लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासत में अब कुछ नया कुछ भी देखने को मिल सकता है क्योंकि कल तक अगर महबूबा मुफ्ती की बात की जाएगी तो कल तक वो भी इंजीनियर रशीद की रिहाई का मुतालबा कर रही थी, लेकिन पिछले 2-3 दिन से लगातार हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जब शुपियां के अंदर अवामी इत्तेहाद पार्टी और पीडीपी
पार्टी के लीडरान और कारकुनान के बीच लड़ाई हुई, तो उसके बाद महबूबा मुफ्ती के स्टेटमेंट जो सामने आए वो कुछ अलग ही दिखाई दे रहे थे। और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ये इल्जाम आयद किया है कि इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी जो है कहीं ना कहीं मरकज और भारतीय जनता पार्टी की पश्तपनाई जो है वो हासिल है और उनको बैक किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की जानिब से। तो ये सारी चीजें अब खुलकर मैदान में आएंगी। और इंजीनियर रशीद की रिहाई के बाद जब इंजीनियर रशीद कल माना जा सकता है कि वो वादी कश्मीर पहुंच सकते हैं, उसके बाद जब वो चुनावी मुहिम में शरीक होंगे तो उसके बाद नए नए सियासी बयानात, सियासी इल्जाम तराशी भी हमें जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि जो अवामी इत्तेहाद को एक लंबा इंतजार था इंजीनियर रशीद के जेल से बाहर आने का, वो इंतजार कहीं ना कहीं इस वक्त खत्म हो चुका है। अदालत ने इंजीनियर रशीद को बाज़ाब्ता तौर पर 2 अक्टूबर तक जमानत दे दी है। अब वो चुनावी मुहिम में शिरकत कर सकते हैं, घर घर जा सकते हैं, लोगों से वोट मांग सकते हैं। ये इस पार्टी के लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि इस पार्टी के अंदर इस वक्त जो लीड कर रहे थे वो इंजीनियर रशीद के बेटे थे, जो घर घर जाकर, गांव गांव जाकर लोगों से मुतालबा कर रहे थे कि वो इंजीनियर रशीद के मंशूर को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करें, उनके जो उम्मीदवार है, कैंडिडेट जो है, उनके हक में वोट करें ताकि उनका जो मंशूर है उसको जमीनी सतह पर अमलाया जाए। लेकिन उसके बाद पार्टी के अंदर नई जान आ सकती है जब इंजीनियर रशीद खुद इन चुनावी जलसों में शिरकत करेंगे। और इंजीनियर रशीद का अंदाज जो है वो प्रियंका आपको भी याद होगा कि वो अलग तरीके का है, वो लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ा होता है। जो भी वो बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के सेंटिमेंट्स को देखकर ही बात करते हैं। और ये देखने वाली बात होगी कि इंजीनियर रशीद के आने के बाद और इन असेंबली इंतखाबात में वो चुनावी मुहिम के दौरान किस हद तक वोटरान को अपनी तरफ लुभाने में कामयाब हो सकते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है जो प्रियंका ने पहले ही बताया कि इंजीनियर रशीद को जमानत मिल गई है, 2 अक्टूबर तक वो जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात में अपने चुनावी मुहिम में शिरकत कर सकते हैं। तो बिल्कुल जैसे ही जमानत मिलेगी तो देखने वाली बात होगी कि AIP पार्टी को की लहर को और कितनी तेजी मिलेगी। फिलहाल इसी अपडेट के साथ कि इंजीनियर रशीद को जमानत मिल चुकी है, लूंगी इजाजत, देखते रहिए।